अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है आप लोग सब क्लियर से होंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी एडमिशन के वाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कुर्तुबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं फॉर 2022। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। इनकी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हुए हैं फेज 3 हैदराबाद शावर फॉर 2022 एडमिशन बैचलर प्रोग्राम में, ठीक है, 4 ईयर इंटरनेशनल रिलेशन, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, इंग्लिश, बीबीए ऑनर और बीएड 1.5 ईयर। उसके बाद पीएचडी के एडमिशंस की ड्यूरेशन 3 ईयर, इंटरनेशनल रिलेशन, मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडी, एजुकेशन, बॉटनी, इंग्लिश और उर्दू। उसके बाद एमबीए प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 ईयर, उसमें जो है ना एमबीए एग्जीक्यूटिव और एमबीए फॉर बिजनेस एजुकेशन एंड एमबीए फॉर नॉन बिजनेस एजुकेशन। और उसके बाद डी फार्मेसी एडमिशन एमएस और एमफिल प्रोग्राम के एडमिशन जो है ना ड्यूरेशन 2 ईयर, इंटरनेशनल रिलेशन, मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक, इकोनॉमी, उर्दू, बॉटनी, जूलॉजी और बॉक स्टडी, इंग्लिश, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडी वगैरह के एडमिशन ओपन है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद जो है ना इंजीनियरिंग प्रोग्राम में डीआई खान कैंपस में जो है ना बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद एमफिल प्रोग्राम जो डीआई खान कैंपस में एमफिल केमिस्ट्री, एमफिल फिजिक्स और उसके बाद जो ना लॉ का प्रोग्राम एलएलबी 5 ईयर, इसमें जो ना एडमिशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो वो इनकी वेबसाइट पे नहीं बताई गई हुई, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है, वैसे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इसलिए जो ना फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इनकी वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पिशावर कैंपस और डीआई खान कैंपस, चूँकि मैं पिशावर कैंपस के लिए जो है ना एडमिशन करूँगा तो मैं पिशावर कैंपस पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया है मेरे सामने जो है ना कैसा इंटरफेस ओपन हो गया है। तो सबसे पहले जो है ना आपने रजिस्टर करना है, अपना यहाँ पर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ई मेल एड्रेस लिखनी है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और आई एम नॉट अडीबोर्ड यहाँ पे आपने क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने लॉगिन प्रोसेस करना है, ठीक है। लॉगिन प्रोसेस में आपका ये लॉगिन टू कंटिन्यू यूज़र नेम, अपना नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, ठीक है, जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अपनी पिक्स वगैरह अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल, उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवानी है, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवाने के बाद जैसे ही आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपने जो है ना सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस था। इसके वजह से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो मियाँ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।